औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल वही सवालात जो पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़े थे, उन्हीं का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर सबसे पहले ये तीन टर्म्स जो हमारे सामने हैं, हमेशा की तरह फैक्टराइज करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं तीनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब कुछ कॉमन ना हो तो हम चेक करते हैं क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि क्या हम इनको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो जवाब मिलता है बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम फौरी तौर पर यहां ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हमें मालूम है कि वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। मगर हम इसको फॉर्मूले में उस वक्त तक बंद नहीं कर सकते जब तक के मिडिल टर्म बैलेंस ना हो। तो खैर, पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट जो होल स्क्वायर है इन्हें फिलअप करते हैं। तो ए की पावर एट है, अंदर इसको ए की क्या पावर लिखी कि वापस एट हो सके, फोर, क्योंकि टू फोर जा एट होगा। यहां पर भी एक्स पावर क्या लिखनी पड़ेगी, फोर। अब यहां पहले ब्रैकेट से ए फोर उठा के यहां लिख दिया और आखिरी ब्रैकेट से एक्स फोर उठाकर यहां लिख दिया। और अब हम मैच करेंगे क्या मिडिल टर्म बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ए फोर एक्स फोर कितने हैं, टू हैं, कोफिशिएंट यानी कि तादाद। और यहां पर ए फोर एक्स फोर कितने हैं, सिर्फ एक है। तो यहां फॉर्मूला बनाने के चक्कर में एक ए फोर एक्स फोर ज्यादा हो गया है, यानी कि इस साइड का वजन ज्यादा है, तो इसको कम करना पड़ेगा ताकि ये वापस दिए गए एक्सप्रेशन के बराबर हो जाए। तो उसके लिए एक ए फोर एक्स फोर निकालना पड़ेगा। निकालने को मैथ्स में कहते हैं माइनस करना। तो माइनस कर देंगे वन ए फोर एक्स फोर। तब आप देखें बिल्कुल ये चार टर्म्स इन तीन टर्म्स के बराबर आ गई हैं। कैसे, ए रेस टू दी पावर फोर का स्क्वायर ए एट बनेगा, ये टर्म क्लियर हो गई। एक्स फोर की पावर टू फाइनल पावर एट बनेगी, ये भी क्लियर है। और टू ए फोर एक्स फोर में से जब वन ए फोर एक्स फोर माइनस होगा तो बचेगा क्या, वन ए फोर एक्स फोर। यू मिडिल टर्म भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो अब हम इन तीन टर्म्स को फॉर्मूले में बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां से ए फोर देखकर यहां लिख दिया और यहां से एक्स फोर देखकर यहां लिख दिया, क्योंकि आपको पता है शुरू की दो ब्रैकेट्स के अंदर ए होता है और आखिर के दो ब्रैकेट्स के अंदर बी होता है। तो ए की जगह ए फोर आ गया और बी की जगह एक्स फोर आ गया। और ये माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया जो बैलेंस करने के लिए हमने वहां वैल्यू लिखी थी, उसको भी आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे, होल स्क्वायर में। तो यहां पर अब ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमें ब्रैकेट में ऐसी बेसिस लिखनी पड़ती हैं कि जब उन पर स्क्वायर अप्लाई हो तो वापस वही टर्म बन जाए जो टर्म हम यहां पर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी अब बैलेंस है, इसको आपने होल स्क्वायर में लिख दिया है। फिर जब दो होल स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस साइन हो तो आप फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू को क्या मान लेते हैं, ए, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू को आप क्या मान लेते हैं, बी। और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो बराबर हो जाएगा ए फोर प्लस एक्स फोर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए फोर प्लस एक्स फोर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम इसे अरेंज करेंगे तो आप जानते हैं ए के बाद ए की टर्म आनी चाहिए, या फर्स्ट में आप देख सकते हैं क्या वेरिएबल है, ए है, तो इसके बाद वेरिएबल ए आना चाहिए और इससे कम पावर में आना चाहिए, क्योंकि आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में पावर को सेट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर अब इन टर्म्स को अरेंज करते हैं, तो ए फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर अगर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में लिखा जाएगा। और यहां पर ए फोर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ए फोर के पास आ जाएगा और लिख दिया जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन सिर्फ कब तब्दील होता है, जब इक्वल्स टू से हम चीज को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। यहीं पर रखे रखे जब आप टर्म्स को शफल करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होता और प्लस साइन के बाद आ जाएगा एक्स फोर। अब ये दो ब्रैकेट्स में जो जवाब आया है, इन दो ब्रैकेट्स में हमें फिर चेक करना है क्या इनमें से कोई ऐसा ब्रैकेट है जो फर्दर फैक्टराइज हो सकता हो। तो देखें, कल मैंने आपको एक शर्त बताई थी, वो शर्त ये थी कि अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, और उनके ऊपर पावर फोर हो, या अगर फोर ना हो तो कोई ऐसी पावर हो जो फोर के टेबल में आती हो, जैसे यहां पर पावर एट थी, एट फोर के टेबल में आती है ना, तो आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया था, क्योंकि फिर आप बैलेंस करने का डिसीजन ले लेते हैं कि अगर कुछ फर्क भी पड़ा तो हम क्या करेंगे, उस फर्क को बैलेंस कर देंगे। लेकिन आप ये डिसीजन सिर्फ कब ले सकते हैं, बैलेंस करने का डिसीजन जब वेरिएबल्स पर पावर फोर हो या फिर फोर के टेबल में आने वाली पावर हो, तब। तो क्या यहां पर
दोनों फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स को होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, और क्या जो दोनों टर्म्स हैं क्या इनकी पावर फोर या फोर के टेबल में आने वाली है? बिल्कुल है, फोर का मल्टीपल है पावर फोर। आखिरी एक और शर्त, अगर वो या पूरी नहीं हो रही तो फिर हम रुक जाएंगे और इसी को बॉक्स में बंद करके फाइनल आंसर मान लेंगे। वो एक बड़ी अहम शर्त है, वो ये कि जो तीनों टर्म्स हैं वो तीनों टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, कहीं पर भी माइनस साइन नहीं आना चाहिए। तो क्या यहां तीनों टर्म पॉजिटिव हैं? बिल्कुल, ये तीसरी शर्त भी पूरी हो गई है, मतलब इसको आगे फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि इस ब्रैकेट में तीनों शर्तें पूरी हो गई हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर वन, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पावर फोर के टेबल में आने वाली पावर्स रखते हैं, ठीक, फोर के नंबर के टेबल में आने वाली पावर्स रखते हैं, सेकेंड शर्त भी पूरी हुई, और तीसरी शर्त सबकी सब टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, यहां सबकी सब टर्म्स पॉजिटिव भी हैं, तो ये फिर आगे बढ़ेगा। अब आए इस ब्रैकेट के बारे में फैसला करते हैं कि ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये तीन टर्म्स हैं, क्या तीनों टर्म में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अरेंज हम कर चुके, इसलिए हम तरतीब में कह सकते हैं, क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के ऊपर जो पावर है वो मल्टीपल ऑफ फोर है, फोर के टेबल में आने वाली पावर है? बिल्कुल, फोर फोर के टेबल में आता है। तीसरी शर्त, क्या ये तीनों टर्म पॉजिटिव है? नहीं है। तो अब आपको यहां से पता चल गया कि इधर फैक्टराइज नहीं करना, फैक्टराइज इधर करना है। और याद रखिएगा, सिर्फ इन्हीं सवाल आपके जवाब में नहीं, जब कभी किसी भी सवाल को आप फैक्टराइज कर रहे हो और आखिर में कोई ब्रैकेट आ जाए और उस ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म्स आ जाए, आप हर बार ये कंडीशन चेक कीजिएगा, हर बार ही तीनों टेस्ट उसकी कीजिएगा। फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म की पावर फोर के टेबल में आ रही है, क्या तमाम तीनों टर्म्स पॉजिटिव है? अगर आपको तीनों पे ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो तैयार हो जाइए, अभी जवाब नहीं आया है बल्कि अब आपको एक बार फिर फैक्टराइजेशन शुरू करनी है एक नए फ्रेश क्वेश्चन के तौर पर। तो ये ब्रैकेट तो एज इट इज आखिर वक्त तक क्या होता रहेगा? कॉपी पेस्ट होता रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन यहां एक बार फिर हम ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहां पर हम एक बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर। थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर यहां से देखकर यहां लिखा, एक्स स्क्वायर वहां से देखकर यहां लिखा, और यूं ही ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। मगर अभी आप इस फॉर्मूले को बंद नहीं कर सकते क्योंकि मिडिल टर्म बैलेंस नहीं है। ऊपर कितने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है? एक। और नीचे कितने आ चुके हैं? दो। तो नीचे कितने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ज्यादा है? एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ज्यादा है। इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इसी के आगे लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट की जो तीन टर्म्स थी ये नीचे ब्रैकेट में इन चार टर्म्स के बराबर है, और अगला ब्रैकेट एज इट इज कॉपी पेस्ट, ए की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर। अब यहां आप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है? ए स्क्वायर। और b मतलब जो आखिर के ब्रैकेट से उनके अंदर मौजूद वैल्यू, आखिरी होल स्क्वायर के अंदर मौजूद वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो यहां क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और फिर माइनस साइन के बाद क्या हम इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? इसको किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ए एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a और x की पावर अंदर वन वन आएंगी, तभी तो वो बाहर टू से मल्टीप्लाई होकर वापस टू बनेंगी पावर्स, ठीक। तो यहां ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो ये ब्रैकेट हमने इसको मैनेज कर लिया और इन तीन ब्रैकेट्स को फॉर्म में बंद कर दिया, इन तीन टर्म्स को, और इसको हमने होल स्क्वायर में लिख दिया। और आगे एक बार फिर ये वाला ब्रैकेट ए की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर एज इट इज। अब यहां पर आप देख सकते हो दो होल स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस साइन है, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक। तो मैं इसको यहां मैनेज कर रहा हूं, इधर से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और आगे वाला ब्रैकेट एज इट इज ए फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स फोर, ये एज इट इज आएगा। और अब यहां पर भी आप तरतीब में लिख लें क्योंकि आप देख सकते हैं ए स्क्वायर के बाद ए वाली टर्म
आखिर में लिखी है, तो तरतीब में लिखने के लिए पहले ए की पावर टू, फिर ए की पावर वन और फिर ए की पावर जीरो, यानी कि ए गायब। तो यहां पर अब हम आखिरी स्टेप में तरतीब में लगा देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ए फोर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर का ब्रैकेट एज इट इज। तो इस तरह से ये सवाल यहां पर मुकम्मल हो गया, और आप देख सकते हैं कोई भी ब्रैकेट तीनों शर्तों पर पूरा नहीं उतर रहा। शुरू के दो ब्रैकेट पहली शर्त को तो पूरा कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, मगर दूसरी शर्त फोर की टेबल में आने वाली पावर हो उसको नहीं पूरा कर रहे। इस वजह से अब इनमें से कोई भी ब्रैकेट आगे मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता।